अरे तुम कूदे नहीं अभी? ज्यादा ऊंचाई है क्या? डर लग रहा है क्या? मुझे बात नहीं करनी किसी से। ओह, माँ से बात नहीं हुई क्या? पापा से भी बात नहीं हुआ क्या? तुम्हें क्या? अच्छा, let me guess, भाई का किसी ने काटा है क्या? मुझे बात नहीं करनी किसी से। अच्छा ठीक है भाई, वैसे बाहर जीसी का माहौल चल रहा है। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देख कर आया। क्या मैच था भाई, ऊपर से सैक पे अस्मिता का डांस भाई एकदम लाजवाब था। अच्छा तुम जीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्या? नहीं। ओहो, टॉपर लोग पढ़ाई में व्यस्त, कहाँ समय मिलता होगा इन सब कामों के लिए? अरे ऐसा कुछ नहीं है। पता है आज मेरा एमटीपी था पर कुछ खास गया नहीं। वैसे तुम्हारा एमटीपी कैसा चल रहा है? चल रहा है। पता है आज के समय में सुबह उठो, डिपार्टमेंट जाओ, सबके अपने अपने काम और कोई किसी से मिलता भी नहीं, बात भी नहीं करता, फिर वही वापस लौट के अकेले हॉस्टल आ जाओ। अरे कब से खड़ा है भाई, ले पानी पी ले, हम चाहे तो बैठ के भी बात कर सकते हैं। पता है जब स्कूल की याद आती है, दोस्तों की बड़ी याद आती है। पता है एक बार क्या हुआ था, क्लास खाली थी और टीचर भी नहीं आया था। मेरे दोस्तों ने पुशअप चैलेंज रख दिया था। मेरे दोस्तों इतने कमीने थे कि हर एक टीचर को निकनेम से बुलाते थे। मेरे दोस्तों ने भी दिन टीचर्स डे पे टीचर्स को कोल्ड ड्रिंक्स की जगह वोडका पिला दिया। यार स्कूल में एक लड़की थी, उससे बात तो कभी नहीं हुई पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। फिर क्या हुआ कि एनुअल फंक्शन में मैंने उसको किसी और के साथ डांस करते देख लिया। फिर उसके बाद क्या कहना। हाँ मेरी भी थी एक। जब स्कूल में थे सोचते थे सारे ख्वाब कॉलेज में पूरा करेंगे और बाकी यहाँ का तुम्हें तो पता ही है। मैं यार बचपन से टॉपर रहा लेकिन वही अप्रिसिएशन के नाम पे जिंदगी भर डिप्रेशन मिला। डिप्रेशन? तुम डिप्रेस्ड हो क्यों? मुझे देखकर लगता नहीं ना? तुम पर तुम्हारे चेहरे से इंजीनियर की वाइब आ ही नहीं रही। होठों पे सुट्टे की काली थपकी नहीं दिखती, आंखों में रातों को चीर देने वाला तरकश नहीं दिखता। जरूरी नहीं है कि हर इंजीनियर की मोट काले और आंख लाल। चलो ठीक है फिर, तुम ही बता दो कैसे होते इंजीनियर। घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग अच्छी होती है तो मैंने कर ली। शौक म्यूजिक का था, जिसकी इजाजत मिली ही नहीं, मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना चाहता था। ये तो तुम अभी भी कर सकते हो। शौक पूरा करने जाओ तो पढ़ाई छूट जाती है और पढ़ाई पूरा करने जाओ तो शौक अधूरा रह जाता है। और अब नहीं होगा। वैसे भी बहुत लोगों को मैं तकलीफ दे चुका हूं। जैसे लोगों को लगता है आईआईटीयन है करोड़ों में कमाता होगा, लेकिन लोगों को कैसे समझाए पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
बात तो सही कही। मेरा भी शौक कभी क्रिकेट था, लेकिन प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट के जाल में फंस के सब अधूरा रह गया। इस हॉस्टल में रहने वाले हर एक लड़के की यही कहानी है। खैर कोई नहीं, इसी को इंजीनियर कहते हैं। यहाँ सबको गुजरना पड़ता है, असाइनमेंट, सेमेस्टर, सुपरवाइजर की डांट और थेसिस सबमिशन जैसी हजारों चीज़ों से। और अगर थोड़ी बहुत कसर बच भी जाती है तो ये प्लेसमेंट और रिसेशन भरपाई कर देते हैं। आज हम जिन बातों को लेकर इतना परेशान हैं, कल इन्हीं बातों को हम याद करेंगे। अगर तुम रहोगे ही नहीं तो माँ का फोन कौन उठाएगा?